पुलिस टीम से परेशान पीड़ित ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। मामला है आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज थाने के रसूलपुर उर्फ पसीपुर गांव का, जहां रामपलट का आरोप है कि मेरी जमीन को पुलिस द्वारा विपक्षी को जबरदस्ती कब्जा कराया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि इसकी शिकायत तहसील थाने से लेकर जिला के आला अधिकारियों से की गई, लेकिन विभागीय कर्मचारियों की शिथिलता के कारण मुझ गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी मेरी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। विपक्षी दबंग व्यक्ति है, इसके प्रभाव के चलते स्थानीय थाने और तहसील के अधिकारी कर्मचारी मुझ गरीब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और हमको बार बार थाना कप्तानगंज की पुलिस टीम द्वारा हमारे घर शाम को दबिश देकर हमको परेशान किया जाता है, जिससे हमने परेशान होकर मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दे थाना कप्तानगंज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पूरा मामला जाँच का विषय है। देखना ये होगा कि संबंधित अधिकारी दोषियों पे कब और क्या कार्यवाही करते हैं। क्या नाम आपका है? रेखा। कहाँ के रहने वाले हैं? थाना कौन सा पड़ता है आपका है? कप्तानगंज। क्या मामला आप लोगों का है? हमारा जमीन चंदर मास्टर ने दखल किया, कब्जा किया। कब का मामला है? अभी थोड़े दिन का। अच्छा, तो इस प्रकरण को लेकर आप कभी थाने में गई थी? थाने गई थी, थाने पर हमारा कोई सुनवाई ना हुई है, हमारा कागज फेंक दिया गया। कौन फेंक दे रहा कागज आपका? यसु फेंक दे रहे कागज आपका। कब थाने में गई थी आप? अरे हम बार बार गए थे, हमारा देवर गया था थाने पे कागज लेके, कागज नहीं लिए, उसी को बंद कर दिए। अच्छा, 151 धारा लगा दी। तो 151 में चलान कर दिए हैं? मतलब एप्लीकेशन देने गए थे कागज लेकर, तुमको 151 में चलान कर दिए हैं? सुनवाई नहीं हो रहा है कोई आपको? नहीं सुनवाई, हमारे नंद के बंद कर दिए। तो क्या मांग आपकी है? हमारी मांग है हमारी जमीन हमें मिल जाए। ठीक, हमारी अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम जो है थाना वहाँ तक मुख्यमंत्री तक जाएंगे, अगर कप्तानगंज थाना नहीं सुनेगी तो। ठीक है, आपके दरवाजे बार बार पुलिस, हमारे दरवाजे बार बार पुलिस आ रही है और वो आ रही है शाम तक की आ रही है, दिन में नहीं आ रही है, 8-9 बजे रात की आ रही है। तो पुलिस घर पे आ रही है तो क्या कर रही है? पुलिस घर पे आ रही थी, हमारे लड़का के ले जा रही थी। अच्छा, जो 100 सहित आई थी, 5 लोग आए थे हमारे लड़कों के लेके जा रहे। क्या नाम आपका है? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए आप लोग क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि 60-70 साल पुराना मकान बना हुआ है, इसमें वो गाटा संख्या का और खा, का में हमारा मकान है और खा में इंद्रभूषण सिंह का है और इंद्रभूषण सिंह खा को बहनामा किए हैं, इसमें खा पर कब्जा हो रहा है, जिसमें हम 70 साल के पुराने मकान में हैं। हमारा नलका तो उनके अंदर हो गया है, बाथरूम का नहानी का खड्डा पाट दिए हैं, हमने अवगत थाने पर कराया, वहाँ में कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद लड़के लड़का और दीवार उठाया नहीं, बोलो लड़का थोड़ा सा हल्का स्पेस किया, उसको उठाकर बंद कर दिया। इसके बाद फिर लड़की को उठाकर बंद कर दिया सेवा ने, फिर हमने अवगत थाने पर अबाई नहीं हुई, एसपी किया गए, वहाँ भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। एसपी के पास आप गए थे? जी। कब गए थे? हम लड़की को लेकर गए थे वहाँ एसपी के पास, एसपी पर मौके मौजूद नहीं थे, इसलिए वहाँ दरखास्त देकर वापस आए। तो क्या मांग आपकी है? हमारी मांग ये है कि जिस गाटा संख्या में उनका बहनामा, उसी गाटा संख्या में जाए ठीक, और हमारी गाटा संख्या का को खाली करें। ठीक।